हमारे जो लोग थे वो हमको लाइक अच्छे से उस पर कॉपरेट नहीं किए और हमारी जो अच्छी टीम बन नहीं पाई उसके वजह से हम लोगों ने अवार्ड में स्टेज के बैकफुट हो गए और काम नहीं कर पाए और आने वाले समय में 2023 में बहुत ही अच्छा हम लोग अवार्ड करेंगे, ये आपको यकीन दिलाता है और पूरे महाराष्ट्र की जनता को यकीन दिलाते हैं कि हम लोग एक अच्छा अवार्ड महाराष्ट्र आइकॉन अवार्ड वापस एकदम 2023 में इसकी शुरुआत कर देंगे। फजल खान जी, आप जो है महाराष्ट्र आइकॉन अवार्ड के जनक भी हैं। आज आपने महाराष्ट्र आइकॉन अवार्ड 25 नवंबर का एक यादगार ही कहा जाए आपके लिए, तो आपने किस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह अवार्ड दिया? पहले बात तो हम बता दें कि महाराष्ट्र आइकॉन अवार्ड पूरे महाराष्ट्र में हमने लोगों को ढूंढा और सर्चिंग किया और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे जो सावली सेवा फाउंडेशन है पूरे मुंबई में एक समाज सेविका के रूप में, जैसा पढ़ाई हो या बच्चों की बात हो और उसके लिए एक अच्छा काम करते हैं, हमने उनको सावली सेवा फाउंडेशन को अवार्ड प्रदान किया है, उसको हमने पुरस्कार दिया है। वहीं दूसरी ओर हमने थाने में और मुंबई के अंदर जो काम करती है दीक्षा सोनोने जी, हमने उनको भी महाराष्ट्र आइकॉन अवार्ड प्रदान किया है और आने वाले 2023 में बहुत जल्दी हम लोग अवार्ड एक महाराष्ट्र आइकॉन अवार्ड आयोजित करेंगे। अगला स्टेप क्या रहेगा, जैसे कि आपने महाराष्ट्र आइकॉन अवार्ड 25 नवंबर को किया, तो अगला स्टेप क्या रहेगा आपका, किस तरीके का अवार्ड आप घोषित करना चाहते हैं या प्रोग्राम कराना चाहते हैं? पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो सोशल वर्कर होते हैं या फिल्म लाइन में हो या उसके बाद क्रिकेट में काम करते हो कि खेल में किन लोगों ने महाराष्ट्र के लिए योगदान दिया और महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाया है और महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाया है, हमारी जो टीम है वो पूरी टीम उसमें काम करेगी और उनको अगर लगा ये वाकई में इन्होंने काम किया है तो महाराष्ट्र आइकॉन अवार्ड उनको प्रदान किया जाएगा। नहीं, अगर बात करें महाराष्ट्र आइकॉन अवार्ड का तो ये बहुत बड़ा सम्मान कहा जा सकता है और इस इतना बड़ा सम्मान के लिए आपको कितने दिन लगे और क्या सोच रही है? क्योंकि ये अवार्ड हमने 2022 में हमने एक मार्च से हमने करने की कोशिश की, हमने बहुत से अवार्ड करने की कोशिश की, आज यहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे करेंगे, हमने कभी मई में सोचा तो कभी कभी सोचा और जो हमारे जो लोग थे वो हमको लाइक अच्छे से उस पर कॉपरेट नहीं किए और हमारी जो अच्छी टीम बन नहीं पाई उसके वजह से हम लोगों ने अवार्ड में स्टेज के बैकफुट हो गए और काम नहीं कर पाए और आने वाले समय में 2023 में बहुत ही अच्छा हम लोग अवार्ड करेंगे, ये आपको यकीन दिलाता है और पूरे महाराष्ट्र की जनता को यकीन दिलाते हैं कि हम लोग एक अच्छा अवार्ड महाराष्ट्र आइकॉन अवार्ड वापस एकदम 2023 में इसकी शुरुआत कर देंगे। MFA Films International, Production House, Mumbai. Films, Music, Albums, Hindi, Bhojpuri Albums, Making and Releasing. Films Making, Releasing and Marketing All Types Advertisement Worldwide. More information, Email ID, mfafilmsinternational@gmail.com. Book your ad, Today India News. Advertisement for this channel, book your ad. Call now, 8452-880084.